जगन्नाथ हर हर महादेव आज जानवा वैद्यनाथ कथा जो वैद्यनाथ को स्मरण करदे समस्त प्रकार वेदना कष्ट संपूर्ण भाव दूरीभूत हो जाए से होते वैद्यनाथ जहाँ प्रमाण स्वरूप ज्योतिर्लिंगर हिसाब से जो प्रमाण रही शिवपुराण से वर्णना करज्ञा देवदेव महादेव किपरी भाव से वैद्यनाथ हिसाब से विराजमान कर जुग जुगांतर कथा आज्ञा जितेबले रावण कौन कर तपस्या करे त्रेतया जुगर कथा देवदेव महादेव को प्रसन्न करने सदा सर्वदा रावण आराधना करी भाव आराधन सदा सर्वदा प्रीत होती देवदेव महादेव ये भाव आराधना करी प्रीत कर सारापर गोटे दिन कहते मुझे बाटर आपणकर कैलाशपुर को आसीपरिना टी मो सांगे आप चलतु सेठार अवस्थान करेंगे देवदेव महादेव प्रसन्न हो कहते हाँ जीजे ये भाव में मत तो नहीं पारे मुझे संपूर्ण भाव में यही शिवलिंग में परिणत हो जाए आपण मत नहीं चलतु यही भावनार सहित जितेबले देवदेव महादेव गोटे लिंग में परिणत हो गले से कहुई दशानन संपूर्ण भाव में धरिकी विराजमान कले जावाई देखंतु किपरी भाव रे महाप्रभु एठारे विराजमान करिवे पुणी अन्यत्र जीवा पाई कहीं आपण देखिबे कहीं देश बाहर को जीवा को पड़ देश बाहर को कदापि मध्य देवदेव महादेव जाईपरिबे संजोग होइना ही किपरी भाव रे जीवे के सेतिपाई देवता माने मध्य प्रचेष्टा कले सेतिपाई कौन कले ना रावणर जेपरी भाव रे कष्ट अनुभव हब अधा बाट रही जीव सेतिपाई उपाय कले कौन उपाय ना ताकू संपूर्ण भाव रे लघु शंका आसिला ताको तार पेटरे उदर संपूर्ण भाव में पूरी आसला उदर कष्ट जंत्रणा आरंभ है जे कि निश्चित भाव में लघुशंका जीवा पड़ जहाँ एक कहुई लघुशंका करने किपरी भाव में शिवलिंग को तो हाथ में धरले जीवना जो भी रखिदेवे महाप्रभु देवदेव महादेव कहते जो भी रखिदेव मुझे स्थिर होजी एथपाई कौन कले सेठारे देवदेव महादेव को क्या हाथ में देवे देवदेव महादेव बा क्या हाथ में धरादेवे से गुरुतुरिया जोगेश्वर कृष्ण कौन कर एक गोपाल बालक रूप धारण करवण प्रदान करदे धरी था ये कौन कले ना ये लघुशंका करे कर बहुत समय बीतीगला देवदेव महादेव एपटे भारी हवाक लगिले कौन कले देवदेव महादेव जिते भारी होते कौन करारायण कौन कले तले रखिदे आले रखिदे कौन सी आठती उठिले ना आज्ञा से विराजमान कले जिते प्रचेषा कले रावण उठे पारे सेठे आंगुली मारी सेठे समस्त प्रकार देवता मान को आवाहन करने सहित समस्त प्रकार नदी मान को समस्त तीर्थजल से स्नान कर स्नान स्नान आदि कर्म करके अभिषेक कर पुनर्वार प्रार्थना कर सेठार भिक्षा मागि जे कि मत आप कौन करूँ ना संपूर्ण भाव में मत क्षमा कर दिंतु आपण को मुझे नहीं पारिनी एठार आपड़ रही जातु ये भाव में अभिषेक कर पुनर्वार लंकापुर को गले से स्थान आज्ञा अनेक आज्ञा कही था तादर बिवाद आसता है कि झाड़खंडर वैद्यनाथ धाम बोली आप समस्ते जानती केतेकांशर महाराष्ट्र में पल्ली वैद्यनाथ बोली कहुई दुईट स्थान में विराजमान करती सत्य जहाँकि झाड़खंड में महाप्रभु वैद्यनाथ हिसाब से विराजमान कर दर्शन कले जहाँ को नाम को स्मरण करदे समस्त प्रकार वेदना कष्ट जंत्रणा जिते प्रकार रही दूरीभूत हो जाए से निश्चित भाव में हर हर महादेव लिखतु वैद्यनाथ की जय मध्य लिखतु आ सहित ये आगक बढ़ात वैद्यनाथ कथा को समस्ते जपर भाव में पहुँची पारे उत्कल ठारू बे दूर नुह झाड़खंड जहाँकि दर्शन करूँ श्रावण मसने जहाँकि अनेक पुण्य फल प्राप्ति हो पारे जय जगन्नाथ हर हर महादेव।